शहर में कोरोना की स्थिति काफी भयंकर हो चुकी है। मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, अगर मिल भी रहे तो अस्पतालों द्वारा मनमानी फीस वसूली जा रही है। जब मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे थे तो उन्होंने ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की थी, जिस कारण अस्पतालों द्वारा सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाता था। इसलिए शिवसेना के दीपक पोहनेकर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ईमेल द्वारा ज्ञापन देकर फिर से तुकाराम मुंडे को शहर में वापिस बुलाने की मांग की गई है। शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हर रोज 1000 से 2000 के आंकड़ों के साथ बढ़ रहा है। शहर में काफी कम दिनों में 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहे, जिससे कई लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ रहा है। साथ ही निजी अस्पतालों में मरीजों से मनमानी फीस वसूली जा रही, ऐसे में गरीब जनता अस्पतालों में कैसे इलाज कर पाएगा। जब शहर में मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे थे तो उन्होंने एपिडेमिक एक्ट के नियमों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की थी। आज शहर की स्थिति को देखते हुए तुकाराम मुंडे के कार्यकाल में जिस तरह उन्होंने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए और जिस तरह उपाय योजनाएं की थी, उससे शहर के हालात काफी संभले हुए स्थिति में थे। और आज शहर को उनकी जरूरत है, उनकी उपाय योजनाओं की जरूरत है, इसलिए उन्हें शहर में वापस बुलाया जाए, ऐसी मांग का ज्ञापन शिवसेना के दीपक पोहनेकर द्वारा मुख्यमंत्री ठाकरे को ईमेल द्वारा दिया गया है। जय शिवराय, मैं दीपक पोहनेकर, मी उद्धव साहेब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जी यांना ईमेल द्वारे निवेदन दिला आहे की गेल्या 7-8-9 महिन्यापासून नागपूर शहरामध्ये कोरोनाची स्थिती खूप गंभीर आहे। ही सर्व स्थिती जेव्हा मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे होते त्यांनी खूप चांगल्यापणे हाताळली होती। गेल्या 15 दिवसापासून नागपूर शहरामध्ये एवढा भयंकर हाहाकार माजलेला आहे की दवाखान्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लूट सुरू आहे। दवाखान्यात तर लूट सुरूच आहे, पण त्याप्रमाणे जे ॲम्ब्युलन्स त्यांना नेणं आणणं करते ती ॲम्ब्युलन्ससुद्धा लुटीमारीचं काम करत आहे। 10-10, 15-15, 20-25 हजारापर्यंत लोकांकडून बिल वसूल करत आहे। आज इतकी भयंकर परिस्थिती आहे, ज्यावेळेस कोरोनाचं लॉकडाऊन होतं लोकांकडे पैसा नाही काही नाही, त्यामध्ये लोक बीमार होत आहे। दवाखान्यात गेल्यावर दवाखान्यात जे काउंटरमधले लोक असतात ते त्यांना सांगतात 2 लाख रुपये जमा करा, 1 लाख रुपये जमा करा, 1.5 लाख रुपये जमा करा, 3 लाख रुपये जमा करा। जमा केल्यानंतरही पेशंट तिथं ॲडमिट राहूनसुद्धा त्यांच्या परिजनांना म्हणजे त्यांचे परिजन तिथे दगावतात। म्हणजे परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे नागपूरची की पैसेही द्यावं लागत आहे तरीही इलाज होत नाही आहे किंवा लोक मरतात आहे। आणि ही सर्व परिस्थिती ज्यावेळेस मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडेजी होते इतक्या चांगल्या पद्धतीनं हाताळली होती। गेल्या 15 दिवसापासून जेव्हापासून तुकाराम मुंडेजी गेले आहे ह्या शहरामध्ये लूटमारीचा कार्यक्रम एकदम बिनधास्त चालू झालेला आहे। कोणी कोणाला ऐकत नाही आहे, कोणी कोणाला काही नाही, सरळ जनतेची लूट सुरू आहे। यामध्ये जनता इतकी त्रस्त झाली आहे, त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री साहेब मी आपल्याला हात जोडून पूर्ण नागपूर शहराच्या युवा सर्व नागपूर शहराच्या लोकांकडून विनंती करतो की आपण तुकाराम मुंडेजींना पुन्हा नागपूर शहरामध्ये नियुक्त करावे आणि नागपूरच्या जनतेला न्याय द्यावे, न्याय मिळावा, त्या कारणाने त्यांना पुन्हा एकदा नागपूरमध्ये नियुक्ती करून पाठवावे। कारण नागपूर शहराच्या जनतेला खऱ्या अर्थाने जर न्याय देण्याचं काम कोणी करू शकते तर ते तुकाराम मुंडे सर आहे। म्हणून एकदा पुन्हा तुम्ही माननीय मुख्यमंत्री साहेब विचार करा म्हणजे आमच्या निवेदनावरती आणि तुकाराम मुंडे सरांना नागपूरला परत पाठवा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। अब देखने वाली बात है की मुख्यमंत्री ने जब तुकाराम मुंडे नागपूर महानगर पालिका के आयुक्त थे तब उनके कार्यशैली और कार्य के साथ सहमत होने की बात कही थी, तो अब उनके ही पार्टी द्वारा मुंडे को शहर में वापस लाने की मांग की गई है। तो मुख्यमंत्री क्या कदम उठाते हैं? कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट, NBC News, नागपुर।